नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं कुंदन जमयान। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है पटियाला से। पटियाला में काली माता मंदिर में हंगामा की खबर है। मंदिर में मूर्ति से बेअदबी की कोशिश की गई है। युवक को मूर्ति के पास से नीचे किया गया। युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया है। पंजाब के सीएम चन्नी ने घटना की निंदा की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह केजरीवाल ने भी घटना की निंदा की है। तो बेअदबी का मामला इस बार एक मंदिर में सामने आया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां पर एक शख्स को आप काली माता मंदिर में बेअदबी करते हुए देख सकते हैं और इस शख्स को वहां पर पकड़ लिया गया, वहां से नीचे किया गया। ये सीसीटीवी फुटेज है, हम आपको दिखा रहे हैं। और इस पूरे मामले की आलोचना की है, निंदा की है पंजाब के मुख्यमंत्री ने, अरविंद केजरीवाल ने, और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी। संवाददाता जसवीर हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। जसवीर, कौन है युवक और इसका मकसद क्या था? अभी ये जांच चल रही है। यहाँ पे ना पटियाला में एक ऐतिहासिक मंदिर है, काली देवी का मंदिर। तो दोपहर के टाइम जब लोग पूजा कर रहे थे तो एक शख्स ने वहां पे ग्रिल को पार किया और जाके माता के की मूर्ति को उन्होंने अपने उसको लपेट लिया अपने हाथों। इस साथ की साथ जो सुरक्षा कर्मी थे और पुजारी थे उन्होंने उसको पकड़ लिया, दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अभी तक ये मामला सामने नहीं पता नहीं चल पाया वो आदमी कौन है। अभी पुलिस से बात हुई है, पुलिस वाले कह रहे हैं अभी शाम तक, अभी थोड़ी देर में आपको बता देंगे, पुष्टि कर देंगे ये आदमी कौन है। वैसे पुलिस ने जैसे सूत्रों से पता चला है, पुलिस को पता चल गया वो आदमी पटियाले के साथ में किसी गाँव का रहने वाला है। जी शुक्रिया जसवीर इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।